सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क इटर्नल का एक और नया एपिसोड। और गाइस आज का आर्क इटर्नल का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने अलग अलग तरह के डायनोज पकड़ने का काम जो है वो कर लिया था। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इसमें मैं एक सांप टेम करने के लिए डेजर्ट वाले बायोम में जा रहा हूं, ठीक है। उस सांप को मैं अपने पीटी से नॉकआउट कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बट अगर वो सांप हम लोग को मिल गया ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा सही हो जाएगा। मतलब हम किसी को भी एक फटके में नॉकआउट कर पाएंगे, बट उस सांप को जो है ना यहाँ पे टेम करना काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज हमारे लिए साबित होने वाला है। मैं अपने इलेक्ट्रिक वाली पीढ़ी को लेके जो ना कहीं जा रहा हूँ भी फिलहाल के लिए तो डेजर्ट वाले बायोम में, क्योंकि जिस सांप को मुझे टेम करना है वो सांप मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम नहीं हमेशा भाई, डेजर्ट में मिलता है। सो इसलिए मैं उस सांप को टेम करने के लिए डेजर्ट में जा रहा हूँ। एक बार अगर उसको टेम कर दूँ ना तो फिर हमारा काम हो जाएगा। बाकी तो मैं पीटी से भी नॉकआउट कर सकता हूँ काफ़ी सारे क्रीचर को, बट प्रॉब्लम कहीं यहाँ पर ये हो रही है कि पीटी जो जिस टायर का है ना, उस टायर के डायनो से मैं हाई टायर वाले जो स्पेक्ट्रल रेक्स मेरे बेस के साइड में स्पॉन हुआ है उसको नॉकआउट ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे हाई टायर का डायनो चाहिए। ये है आई थिंक से एलिमेंटल ना, मुझे अननोन एलिमेंटल चाहिए, समझ रहे हो। मतलब अननोन डायनो चाहिए होंगे जो कि इस वाले अपने पीटी से थोड़े से हाई टायर वाले, और वो जो है ना डायनोज हमको इवोल्यूशन से ही मिलते हैं। सो वो डायनोज तो अभी नहीं है, तो मैं सांप से ही ट्राई करूंगा। और मुझे लग रहा है सांप जो है जो किसी भी क्रीचर को एक फटके में यहाँ पे नॉकआउट कर सकता है। मैं डेजर्ट में तो आ चुका हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला एनाकोंडा मिलेगा हमको, ठीक है। डेजर्ट में तो भरे पड़े होते हैं, बट मुझे एक भी अभी दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल के लिए। उस एनाकोंडा से नॉकआउट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बट एक कहाँ पे वो एनाकोंडा यार, दिख ही नहीं रही है मेरे को भाई, वो एनाकोंडा है कहाँ पे। रुको मैं यहाँ से एक टीपी भेज देता हूँ, इनकेस अगर मेरे साथ कुछ गलत शलत हो गया तो मैं वापस से यहीं पे आ पाऊँगा। यार मुझे वो एनाकोंडा दिख ही नहीं रहा यार, देखो तो कहीं भी भाई एनाकोंडा नहीं दिख रहा वाला। ग्रीन कलर का बड़ा सा सांप होता है, लियोप्लोर क्या नाम होता उसका भाई। रुको मैं नाम सर्च करने की ट्राई करता हूँ, मुझे उसका नाम जो है गाइज वो पता नहीं, लापिस होता है क्या कुछ, लापिस लजूली नहीं, लापिस कुछ तो होता है भाई, कुछ तो नाम होता है। सर्चिंग चल रहा है, लैब डाल देता हूँ, मे बी आ जाए। नहीं क्या यार, उस डायनो का जो नाम जो है ना गाइस मैं भूल गया। रुको मैं गूगल बाबा पे सर्च करता आर्क इटर्नल स्नेक लैब, क्या नाम है भाई उसका, एल ए ओ लैपिस, मैं बोला था ना गाइस लैपिस है भाई नाम उसका, डबल ए चला गया। ये वाला ओके लेट्स गो, मैं बोला था गाइस ये हमको मिलेंगे बस डेजर्ट वाले बायोम में ही। कितने दूर है गाइस, ये रहा भाई गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे सब कुछ मिलता है गाइस, हमको डायनो का नाम भी मिल गया। अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने गूगल पे क्या सर्च करा पता है, आर्क इटर्नल स्नेक लैप, और डायरेक्टली ये आ गया भाई डायनो, ईजी पीजी। गूगल बाबा जो ना गाइस वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। चलो अभी फटाफट से, हाँ बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो पीटी है ना अगर उसने इसको टॉर्पोर नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह शिट, ओके, कैन बी नॉकआउट बाय प्राइम पॉइजन डायनो एंड अबाव इम्यून टू एनीथिंग बिलो, वाव, यूज अननोन पॉइजन ट्रैंक सो नथिंग इज इम्यून टू इट, अननोन पॉइजन टॉर्पोर टाइप। अरे यार क्रॉसबो से काम होगा हमारा, वॉट, मैं इस पीढ़ी के ऊपर, वाह भाई वाह, ठीक है रुको लगा क्या, बाप रे उसने मेरे को चुम्मी तो दे दी भाई, इसको कैसे नॉकआउट करूँ गाइज, बोला लगेगा। ट्राई करता है तो पता नहीं मुझे बोला लगेगा कि नहीं, ट्राई करने में क्या ही जा रहे हैं हम लोग का।
इसकी आप बाल बाल मरते मरते बचाओ यार, इसको कैसे नॉक करूं मैं? इटर्नल कार्बन पॉइजन है यारो, इसको नॉकआउट कैसे करूं भाई? क्या बोल रहा है? नॉकआउट बाय प्राइम ट्रैंक बिग स्नेक कैन बी नॉकआउट बाय प्राइम ट्रैंक प्राइम पॉइजन पाइक। प्राइम पॉइजन पाइक, मेरे पास एक पाइक तो है, मेरे पास एक पाइक। भाई मेरा पाइक कहाँ चला गया? मेरे पास एक पाइक था ना, रुको, पाइक नहीं यार, प्राइम पॉइजन पाइक चाहिए भाई। इसके लिए अल्फा वाला पॉइजन पाइक चाहिए होगा। अच्छा ये मैं बना सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ये बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगा पॉइजन ब्रेक पाइक 5। मैं ये पाइक बना सकता हूँ, और ये पाइक अगर मैंने बना लिया तो मैं इसको नॉकआउट कर पाऊंगा। समझ रहे हो गाइज, काम 25 हो जाएगा। ठीक है, भले मुझे उसके लिए 100 बार मरना पड़े, बट मैं इसको नॉकआउट कर पाऊंगा उस पाइक की मदद से। रुको गाइज रुको, वो पाइक बना के लेके आता हूँ मैं भाई, वो पाइक बना के लेके आता हूँ। वो पाइक बनाने के लिए ना हम लोग को जेम्स वगैरह चाहिए। लकीली मैंने, ये देखो मेरे पास जेम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, इन जेम्स को ग्रीन वाले जेम्स ही चाहिए अभी के लिए, तो मैं इनको एक का डबल करने के लिए डाल देता हूँ। मुझे चाहिए होगी गाइस पाइक, मुझे पाइक बनानी है। पाइक के लिए नार्कोटिक चाहिए ना, नार्कोटिक चाहिए बराबर। नार्कोटिक बन जाएगी, नार्कोटिक बन जाएगी एफएम के बेंच के अंदर। अगर हमारे पास पॉइल मीट है तो नार्कोटिक इजीली बन जाएगी, इजी पीजी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नार्कोटिक बन चुकी है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा। और क्या चाहिए पाइक बनाने के लिए? ये पाइक बनाने के लिए हम लोग को ग्रीन क्रिस्टल मैंने डाल दिया, एक नॉर्मल पाइक चाहिए। ऐसे 5 पाइक यहाँ पे चाहिए, करो यहाँ पे ऐसे 10 पाइक चाहिए। तुम्हारी तो मैं मजाक कर रहे हो क्या? 5 और 10 पाइक, 20 पाइक बनाने, कम से कम 20 पाइक बनाने ये वाले 20 पाइक। वहाँ पे 5 चाहिए होंगे ना, वो 5 नहीं यार, 20 नहीं चाहिए होंगे। उसके लिए एक चाहिए, और वहाँ पे 10 चाहिए ना, कितना चाहिए वहाँ पे 10 चाहिए बराबर। रुको कैलकुलेशन करने दो थोड़ा। अगर हम लोग को ये पाइक बनाना है तो इसके लिए प्रीवियस वाले 5 पाइक चाहिए होंगे, और इसके लिए ये 10 चाहिए होंगे। तो ये 5 अगर हमको पाइक चाहिए प्रीवियस वाले, तो मतलब ये एक से ही बन जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 अगर पाइक चाहिए सो 50 चाहिए होंगे कम से कम, 50 भाई, 50 पाइक बनाने पड़ेंगे गाइस, 50 पाइक्स बनाने पड़ेंगे पाइक। मजाक हो रहा है क्या? मजाक हो रहा है क्या गाइस? ठीक है नार्कोटिक है, और अगर नार्कोटिक चाहिए तो और नार्कोटिक हम बना सकते हैं मे बी। यस, स्पॉइल मीट कम पड़ रहा है बस, खाली 800 स्पॉइल मीट लियो बेटा, बनाओ। नार्कोबेरी कम पड़ रही, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये वाले, ये 5 पाइक चाहिए और 10 चाहिए, 50 पाइक बनाने, ये पाइक बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। इसके लिए पाइक और नार्कोटिक चाहिए, नार्कोटिक बहुत ज़्यादा चाहिए क्या? पाइक और नार्कोटिक चाहिए ना भाई, पाइक तो मेरे पास पड़े हुए हैं, पाइक तो भर भर के पड़े हुए हैं, वो बन भी रहे वैसे, पाइक बन भी रहे। और उनको लग रहा है गाइस आज ये पावरफुल पाइक बनाते बनाते हमारा एपिसोड ना निकल जाए यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस इस पाइक को बनाना। बट ये बना दिया ना तो शायद से मैं भाई उसको सांप को ईजिली नॉकआउट कर पाऊँगा। ओके भाई, इसको ये 50 पाइक बनाने पड़ेंगे खुद हमको। What the? कान के पर्दे पड़ गए भाई मेरे। ग्रीन जेम्स कितने हैं? 27 हैं, और चाहिए ग्रीन जेम्स, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे ग्रीन जेम्स, बहुत ही सारे चाहिए होंगे। मैं ग्रीन जेम्स यहाँ पे बना रहा हूँ भर के, ठीक है, ग्रीन जेम्स भर के बना रहा हूँ। इसकी मदद से हम लोग वो पाइक बना पाएंगे। अभी वो पाइक जो है ना, जो 50 बनने पड़ेंगे पहले। ठीक है रुको, अभी अगर मैं इस पाइक को बनाने की सोचूं, इसके लिए क्या चाहिए होगा? टेमिंग पोशन मेरे पास पड़े हुए हैं, टेमिंग पोशन को एक का डबल कर लेना है भाई। अलग ही सीन है भाई, एक एक चीज़ की कमी पड़ रही है मुझे। टेमिंग पोशन एक का डबल, ओके, टेमिंग पोशन एक का डबल, यहाँ पे टेमिंग पोशन एक का डबल हो रहा है भाई, टेंशन नहीं, टेमिंग पोशन एक का डबल कर रहा भाई मैं, टेमिंग पोशन एक का डबल। ठीक है, टेमिंग पोशन भी गाइज एक का डबल हो रहा है। आगे और क्या चाहिए? ये एक पाइक बनाने के लिए ग्रीन क्रिस्टल पहले से ही है। टेमिंग पोशन 10 लेके आना पड़ेगा क्या?
ठीक है पहले फिर वो 50 पाई की बनने दो, सिंपल सी बात है यार, 50 पाई की बन जाएंगे तो एक साथ ही बना लेंगे फिर सब कुछ, एक एक करके क्यों भाई यहाँ पे फिर इकट्ठा करना, 22 और पाई बनना बाकी है, ये इतने सारे पाइक गाइस मुझे यहाँ पे डालने पड़ेंगे, देख रहा हूँ मेरे पास कितना पाइक है, मेरे पास पाइक के नाम पे कुछ भी नहीं है। रुको जब तक गाइस ये पाइक बन रहे तब तक मैं फालतू का जो सामान है वो यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ये पाइक जो है ना गाइस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मैं जो अपने पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरे किसी काम की नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। मीट वगैरह दुद्धू वगैरह है मेरे पास, ये तो वाइवरन का दुद्धू है ना जो हमको मिला था, ठीक है ओके डन, ऑल राइट ठीक है। सो पाइक अब भी और बनना बाकी है, 50 ये 50 पाइक बन जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा, ये 50 पाइक बन जाए बस, कान फट जाते हैं भाई सीधा कान फट जाते हैं भाई सीधा कान फट जाते हैं बताओ, ठीक है क्रिस्टल बन रहे और यहाँ पे ये पाइक भी बन रहे, 10 और पाइक बनना बाकी है, उसके बाद गाइस हमारा सबसे पावरफुल वाला जो पाइक है वो बन के रेडी हो जाएगा, क्रिस्टल जो ग्रीन क्रिस्टल ओ यहाँ पे भी नहीं बन रहा, रुक जाओ यहाँ से थोड़ा उठाना पड़ेगा, सारा ग्रीन क्रिस्टल लग रहा है यहीं से खींच लिया, अरे पेटी के अंदर नहीं भाई यहाँ पे टर्न ऑन, ठीक है यहाँ पे बन रहे ग्रीन क्रिस्टल 101 बन रहा है ना, ठीक है ज़रूरत है ग्रीन क्रिस्टल की काफ़ी ज़्यादा इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, टेमिंग पोशन में निकाल लेता हूँ भाई थोड़ा, एक एक वहाँ पे रख के 100 निकाल लेता हूँ, ठीक है 100 टेमिंग पोशन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, मेरे हिसाब से हमारी पावरफुल वाली जो पाइक है वो अभी बनने वाली है, ठीक है सारी की सारी A to Z जो पाइक्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, अभी मैं फटाफट से ये सारी पाइक जो है गाइस वो यहाँ पे डाल देता हूँ, टेमिंग पोशन में 300 लेके आया हूँ उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे ये पावरफुल वाली पाइक बनाएंगे, डायनो वगैरह तो नहीं डाला ना गलती से यहाँ पे, नहीं मिट डाला है बस, ओके चलो। सो नाउ सबसे पहले मुझे ये पाइक बनानी है, कितनी है मेरे पास 26 ये पाइक 26 ज़्यादा नहीं, अरे कान पड़ गए, ये वाली पाइक 10 ये पाइक बनानी है, क्या कम पड़ रहा भाई, टेमिंग पोशन भाई मैंने टेमिंग पोशन, ड्यूड ये क्या चीज़ है फिर, क्या बदतमीजी चल रही है भाई, ये बोल रहे टेमिंग पोशन है ही नहीं क्या, व्हाट द, ये क्या है टेमिंग पोशन ही तो है, ये क्या बदतमीजी चल रही है भाई, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेमिंग पोशन है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा, कैसे क्यों भाई, ये क्या बदतमीजी चल रही है यार यहाँ पे, टेमिंग पोशन ही शो नहीं कर रहे, ग्रीन क्रिस्टल यहाँ पे बन रहे हैं, रुको यार गद्दारी कर रहे भाई ये लोग, टेमिंग पोशन ही शो नहीं हो रहे वहाँ पे, क्या फ़ायदा, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी वो सारी वेच चली जाएगी अभी, अबे पीडी के अंदर है, पीडी का एक्सेस क्यों मिलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, टर्न ऑन यहाँ से मैं एक क्रिस्टल उठा लेता हूँ, रुको भाई इतने पाइक 50-50 बना के क्या फ़ायदा फिर, टेमिंग पोशन क्यों शो नहीं कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बनेगा क्या पाइक भाई, पाइक बनेंगे नहीं इस वाले में, भाई पाइक दे दो यार बना के मुझे बस, हाँ ये वाला पाइक चाहिए ना भाई प्लीज, टेमिंग पोशन 10 भाई मैंने डाल रखे यार, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, टेमिंग पोशन ही तो है 200 TA टेमिंग पोशन, क्या बोल रहे हो तुम, 10 भाई वो चाहिए, लियो बेटा भाई एक काम करूँ मैं यहाँ पे एक टेमिंग पोशन बनाऊँ, ये वाला नार्को बेरी चाहिए ना, रुको गाइज भाई अभी ठीक करके देता हूँ, शाइनून तू बेरी इकट्ठा करती है क्या मेरी, चुटकी का पता नहीं ये तो कर लेगा, नीचे जाके नार्को बेरी इकट्ठा करके ला रहा हूँ, खुद से मैं वहाँ पे टेमिंग पोशन बनाता हूँ 10, अगर वो 10 टेमिंग पोशन भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर मेरे दिमाग का दही हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हटो रे जल्दी हटो यहाँ से, बेरीज इकट्ठा कर भाई, तो बेरीज इकट्ठा कर रहा है कि नहीं, ये बेरी नहीं इकट्ठा कर रहा ना,
ये बेरी नहीं इकट्ठा कर रहा ना? नहीं है तो नार्को बेरी भाई, नार्को बेरी चाहिए थी ना टेमिंग पोशन के लिए, टेमिंग पोशन के लिए नार्को बेरी चाहिए ना। कचरे की तरह नार्को बेरी इकट्ठा कर रहा हूँ, कचरे की तरह नार्को बेरी इकट्ठा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखता हूँ इसकी कैसे ना टेमिंग पोशन नहीं बनता। अभी खुद से मैं टेमिंग पोशन बनाऊंगा और उसकी मदद से हम लोग को पाइक बनाएंगे। हट ना, ट्राई किया यार, उंगली करने आ रहा है बीच में, बेचारा पोकेट में फ्री में मर गया। ठीक है अभी देखता हूँ कैसा टेमिंग पोशन नहीं बन रहा। ठीक है टेमिंग पोशन नहीं बनने दे रहे थे ना, ये लो नार्को बेरी, भर भर के नार्को बेरी लेके आया हूँ। अभी मैं देखता हूँ टेमिंग पोशन जो है वो कैसे नहीं बन रहा। ठीक है टेमिंग पोशन लियो बेटा, लियो बना। पाइक में शो कर रहा है ये वाला पाइक में शो कर रहा है। ये टेमिंग पोशन और उसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला टेमिंग पोशन एक का डबल करो। ठीक है इस वाले टेमिंग पोशन को एक का डबल करना है, इनको वापस लियो। ये टेमिंग पोशन और उन टेमिंग पोशन में क्या डिफरेंस है? ये वाले टेमिंग पोशन में यहाँ पर फेंको, अबे डायनो फेंक दिया गलती से मैंने। ये टेमिंग पोशन में यहाँ पे फेंक रहा हूँ, इसमें से 20 टेमिंग पोशन में उठा रहा हूँ। और ठीक है रुको, यहाँ पे डाल रहा हूँ टर्न ऑन। अगर ये टेमिंग पोशन में वहाँ पे डाल देता हूँ तो क्या ये टेमिंग पोशन पाइक बनाने के लिए यूज? वाह वाह, टेमिंग पोशन भी दो तरह के है गाइज। ठीक है ये टेमिंग पोशन भी दो तरह के है। ओके रुको, इनको उठाने दो यहाँ पे सिंपली, इसको यहाँ पे डाल देते टर्न ऑन। ठीक है दूसरे जो टेमिंग पोशन है ये हमारे किसी काम के नहीं है, इनको मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। एक पाइक बनाने के लिए कितना ज़्यादा तुड़ुक जाम करना पड़ रहा है, देख रहे हो गाइज़? आप लोग देख रहे हो ना कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। टर्न ऑन ओके। ठीक है मैंने वो वाले टेमिंग पोशन जो है गाइज़ वो बनाने के लिए डाल दिए हैं, बाकी जो फालतू के टेमिंग पोशन थे उनको फेंक दिया है। ठीक है ये टेमिंग पोशन यहाँ पे बनने दो। एंड ये कितने चाहिए होंगे? काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगे ना मुझे, फिर भी मैं ज़रा एक बार देख लूँ। टेमिंग पोशन भाई 10, ये मुझे कितनी बनानी है भाई? ये मुझे 10 बनानी है बराबर, तो 100 तो कम से कम यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ये वाला टेमिंग पोशन, ये 10 पाइक बनाने के लिए। ठीक है ये 10 पाइक बनाने के लिए 100 टेमिंग पोशन अपने पास आ चुका है। अभी इससे मुझे ये एक पाइप बनानी है और उसके लिए भाई इजी, लेट्स गो, बन गई है गाइस हमारी प्राइम वाली पाइक। ऑल राइट प्राइम पाइक बन चुकी है। टेमिंग पोशन यहाँ से रिमूव है ना, टर्न ऑफ, यहाँ से इसको उठा लूँ टर्न। भाई यहाँ पे टेमिंग पोशन बनने तो ग्रीन क्रिस्टल की खेती बंद। ठीक है ग्रीन क्रिस्टल की खेती बाड़ी बंद कर लेता हूँ मैं चाहूँ तो इसको अपग्रेड भी कर सकता हूँ, बट यार क्यों अपग्रेड करना अभी फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए क्यों अपग्रेड करना? अपग्रेड करूँ क्या? उससे गाइस टॉर्पोर ज़्यादा पड़ेगा, वेपन डैमेज भाई 100 है। अगर मैं इस भाई पाइक को, ये सबसे पावरफुल पाइक है भाई, इस पाइक से हम लोग किसी की भी बैंड इजीली बचा सकते हैं। ठीक है अगर इस पाइक को मैं अपग्रेड करूँ यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिए होगा इसको अपग्रेड करने के लिए? नार्कोटिक ले लियो, नार्कोटिक लियो, 17 इटर्नल अल्फा भाई वो चाहिए ना, इसके लिए पाइक और चाहिए होंगे? नहीं नहीं रेंदो, इतना पाइक नहीं है मेरे पास भाई, पाइक और मांग रहे हैं, पाइक्स कहाँ से लेके आऊँगा? अभी इसका गाइस टॉर्पोर कितना जा रहा है ना वो मैं देख के आता हूँ। क्या मैं इस वाले पाइक से जाके वो सामने की तरफ जो हमारा जिराफ है उसको पप्पी दे सकता हूँ इस पाइक से जाके? गाइस इस जिराफ के ऊपर ट्राई मारते हम लोग, इस पाइक से कितना टॉर्पोर चढ़ रहा है। ठीक है आर यू गाइस रेडी? रेडी अबे जीरो जीरो टॉर्पोर चढ़ा, ओ मे बी ये इम्यून है इससे, ये 80-90 2-2 लाख चढ़ रहा है टॉर्पोर, चढ़ रहा है टॉर्पोर, तगड़ा चढ़ रहा है गाइस, तगड़ा टॉर्पोर चढ़ रहा है भाई, तगड़ा टॉर्पोर चढ़ रहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल उस अनाकोंडा के सामने ये पाइक मुंह पे उसके लेके जाके कैसे मैं जिंदा बच पाऊंगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उस आनाकोंडा से कैसे बच पाऊंगा? पाइक मुझे उसके मुंह पे लेके जाने और उसके अटैक से बचना है, उसके लिए मुझे अपना खुद का आर्मर पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो ऐसा आर्मर पहनना पड़ेगा जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा तगड़ी हो। मेरे पास आर्मर पड़ा हुआ है, रुको
रुको गाइस, मुझे वहां पे उसको पाइक मारने तक जिंदा रहना है, ठीक है। आर्मर कितना है भाई? आर्मर बताओ भाई, फर वाले कपड़े मिले हैं, ड्यूरेबिलिटी आर्मर, ठीक है भाई। ठीक भाई, भले ही गर्मी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्मर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। 59 का चेस पीस का आर्मर है, आर यू कॉमेडी मी भाई? ये ना पहन लूँ मैं 110 वाला आर्मर भाई, ये डालो रे उधर, ये हमको मिल चुका। ये जूता कितना आर्मर है? 308 और इसका भाई, इसको डाल दो। तीन गई चीज़ें मिल चुकी हम लोग को, ओके। और दो चीज़ें चाहिए। ये आर्मर यहाँ पे बनेगा ना, गिली वाला, वो गिली आर्मर, ऑरेंज क्रिस्टल मेरे पास पड़ा हुआ होगा, और ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीमर चल जाएगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर ही चाहिए बस खाली। ये अगर आर्मर 600 है इसका, ये अगर मैं बना लूँ तो मेरे पास ऑरेंज क्रिस्टल भी पड़े हुए हैं, अगर इसको बना डाला ना तो गाइस लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। रुको रुको रुको, ऑरेंज क्रिस्टल यहाँ पे डालो। पीटी भाई, पीटी भाई चलो आ जाओ। ऑर्गेनिक पॉलीमर लास्ट लोकेशन नहीं है, ऑर्गेनिक पॉलीमर के लिए थोड़ा हत्या कांड करके आना पड़ेगा डेजर्ट से। 90s वगैरह को मारता हूँ, ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आता हूँ। मेरे पास पॉलीमर है लेकिन ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं है, ऑर्गेनिक पॉलीमर के बिना वो गिली सूट बन नहीं रहा। और सोचो उस गिली सूट को हम लोग अगर फुल अपग्रेड भी कर दे तो कितना मज़ा आ जाएगा। बट उसके लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफकोर्स भाई बहुत सारा चाहिए होगा। पाइक तो मैंने ऐसी बना ली है जिससे 200,000 तक का टॉर्पोर जा रहा है, मतलब जो मेरा पीटी है ना उस पीटी से ज़्यादा टॉर्पोर दे रही है भाई मेरी पाइक, ठीक है। प्राइम डायनो, इज दैट प्राइम पीटी? इस पैसिव टेम, पैसिव टेम, आर यू कॉमेडी मी? ब्लू मीट चाहिए है? प्राइम सिटी, प्राइम प्राइम प्राइम, पैसिव डे में बोल रहे हैं, पक्का पैसिव डे में ना? रुको गाइस, मीट 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 भाई, मीट ये वाला बना लो पहले, ये वाला प्राइम पीटी अगर मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, पता है। मे बी यही हम लोग को यहाँ पे डायनोस को नॉकआउट करने में मदद करे, क्या बोलते हो गाइस? प्राइम पीटी में ट्राई करता हूँ, रुको, टेम करने की कोशिश करता हूँ, और अगले एपिसोड में फिर देख लेंगे उसका जलवा, ओके बाय। इंस्टेंट मीट दियो, अल्फा मीट मेरे पास ले रहा हूँ, एक इंस्टेंट मीट लेके जा रहा हूँ, उस प्राइम पीटी को टेम करके घर पे ला रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ऑर्गेनिक पॉलीमर लेने जा रहा था मैं, रास्ते में मुझे वो प्राइम पीटी मिला, और उस सांप के ऊपर लिखा हुआ था कि प्राइम टायर के डायनोज चमन बना रहे हो बेस के, काय का पैसे उठेंगे तो नॉकआउट देंगे, होगा बेहोश होगा भाई, बेहोश हो जाएगा, फुल गारंटी है भाई। पाइक ऐसी थोड़ी बना के रखी है गाइस, पाइक थोड़ी सी टाइम पास के लिए बना के रखी है हम लोग ने, ठीक है। टेम हो गया, टेम हो गया ना, ये किधर, इसका जलवा बाद में देखेंगे, पहले गिली सूट बनाने के लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर लेके आता हूँ मैं डेजर्ट से, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर लेते हैं, फिर आगे का जो गाइस हमारा प्रोग्रेस है, जो काम है, वो हम लोग अगले वाले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है प्राइम वाला पीढ़ी शायद से नॉकआउट कर सकता है डायनोस को, शायद, कन्फर्म नहीं हूँ मैं एग्जैक्टली, बट शायद से कर सकता है, देखेंगे। चलो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है ना गाइस उसकी तलाश है, और उसकी तलाश में मैं आ चुका हूँ डेजर्ट में। डेजर्ट में मुझे प्राइम ऑर्गेनिक पॉलीमर कहाँ मिल सकता है भाई? हो रहा, ये रहा गाइस ऑर्गेनिक पॉलीमर भर भर के, फट से आ जा 200, फट से हवा में पेटी लियो बेटा 200, और घर पे जा रहे ऑर्गेनिक पॉलीमर की मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में गिली सूट भाई बनाएंगे, और जो पीटी प्राइम वाला मैंने टेम करा है क्या वो टॉर्पोर दे सकता है, वो भी हम लोग अगले एपिसोड में चेकआउट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है आर्क सर्वाइवल इवोल का, आर्क इटर्नल का, वो हो जाता है यहीं पे खत्म। ये देखो पीटी, ये वाला पीटी अपना, ये वाला पीटी जो है ना गाइस, ये टॉर्पोर वगैरह दे सकता है कि नहीं, ये अगले एपिसोड में चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए ऑर्गेनिक पॉलीमर की खेती करने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
चलो फिर आज का ये वाला जो एपिसोड है आर्क इटर्नल का वो हो जाता है ये पे खत्म। हम लोग ने ऐसी पाइक बनाई है जिसका 3-4 लाख का टॉर्पोर जा रहा है। मेहनत काफी ज्यादा लगी बट मेहनत का फल मीठा है गाइस, क्योंकि इस पाइक की मदद से ही मैं डायरेक्टली आधा टॉर्पोर चढ़ा सकता हूँ किसी भी डायनो को। देखते हैं अभी बाकी अगले एपिसोड में हम लोग उस सांप को टेम कर पाते हैं कि नहीं। अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.